डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, 10th क्लास के साइंस में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी के दूसरे नंबर चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। हालांकि पिछले क्लास तक के मानव मस्तिष्क को हम लोग पढ़े थे, चलिए आज एक नए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक की क्रिया। अब हम लोग जानेंगे कि वही तंत्रिका तंत्र, वही तंत्रिका ऊतक जिसको बोल रहे हैं, वो काम कैसे करता है, वो अपने क्रिया कैसे कर पाती है, उसका आवेग कैसे सोच पाता है, यानी कि हम ये क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि तंत्रिका ऊतक काम कैसे करता है, वो उसकी क्रिया क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग फर्स्ट एरो देकर कुछ लिखेंगे, उसके बाद चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। जी हाँ, तो जैसा कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोगों को टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं। भाई हम लोग तंत्रिका ऊतक की क्रिया, अब तंत्रिका ऊतक काम कैसे करता है। सबसे पहले कोई पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र काम क्या करता है, वो कैसे अपना बोल सकते हैं कि चीज़ों को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले चीज़ों ये समझिए आप कि जो पेशीय कोशिका होती है, पेशीय कोशिका किसको कहते हैं, जैसे मसल्स, ठीक है। अब वो मसल्स जो होते हैं ना, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा, हमारे मसल्स में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और इस यही प्रोटीन के वजह से वो जो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका ऊतक है, उनकी आकृति जो है क्या है, बदल जाती है। यानी कि ध्यान रहे, प्रोटीन की मात्रा हम लोगों को मसल्स में होती है, हम लोगों की कोशिकाओं में होती है, और यही प्रोटीन काम करता है तंत्रिका ऊतक के आकृति को बदलने का, उसकी व्यवस्था को बदलता है। और जैसे ही ये आकृति बदलती है, हमारी जो भी सूचनाएं हैं मस्तिष्क तक पहुंचती है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। और ये जो सूचनाएं हैं, इतना ज़्यादा फास्ट होते हैं कि जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि जितना वेग से करंट आती है और हम लोगों के यहाँ बल्ब सब फटाफट जल उठता है, जलने लगता है, जलना प्रारंभ होता है, उसी विद्युत के वेग से हमारे अंदर सूचनाएं क्या होती है, पास आउट होती है, लगातार चलती रहती है। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न होती है, जो मुख्य रूप से किसकी के लिए मदद करती है, आकृति और व्यवस्था दोनों को बदलने का काम करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट देते हैं, सेकेंड एरो, तो इसको भी लिखा जाए, कोशिका में तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया होती है। कोशिका में तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया होती है। जी हाँ, अभी जैसे हम अभी समझाने का प्रयास किए कि हमारे पेशीय कोशिका में प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन है ये काम करता है हमारे तंत्रिका ऊतक के आकृति और व्यवस्था को बदलने के लिए। और जैसे ही बदलता है, वो काम करने लगता है सूचना को पहुँचाना, और ये सूचना जो है विद्युत आवेग के जैसा होता है, यानी विद्युत आवेग की अनुक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि वह सूचनाएं जो है विद्युत आवेग के
सिमिलर होते हैं, उतना ही स्पीड से ये विद्युत आवेग के वेग से ही ये सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशीय की नई आकृति देती है। प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशीय की नई आकृति देती है। जी हाँ, अभी हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रोटीन हम लोगों को बन रहा है उसका आकृति बदलती है। किस इसके वजह से किसकी आकृति बदली? तंत्रिका ऊतक की। लेकिन आपको जानना चाहिए कि तंत्रिका ऊतक की व्यवस्था तो बदल गई, लेकिन इससे जो है हमेशा जैसे हम लोग कुछ भोजन करते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो नई तरह का कार्बोहाइड्रेट बनता है, नया प्रोटीन बनता है। उसी तरीके से प्रोटीन की जब नई व्यवस्था आती है तो हमारी पेशीय की आकृति बदल जाती है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि कोई बाहर गया या कहीं गया और उस तरह का खाना पीना खाया कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पूरा बदल जाता है। यानी कि कभी कभी देखते हैं कि कोई दुबला पतला आदमी है, बाहर गया और कोई ऐसा कुछ खाया पिया जो उसका पूरा मसल्स बदल गया, नहीं यानी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो इसी की वजह से ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग देख रहे थे कि तंत्रिका ऊतक जो है वो कैसे काम करता है, उसकी क्रिया क्या होती है। तो अब हम लोग ऐसे मुकाम तक के पहुंच गए हैं जो एनसीईआरटी के बीच में भी कुछ क्वेश्चन आंसर देता है। तो चलिए उसके बीच के एनसीईआरटी के बीच के प्रश्न को हम लोग करना शुरू करते हैं। प्रश्न मिल गया है तो उसको करना अति आवश्यक है। तो पहला प्रश्न लिखा जाए और ये प्रश्न आप देख पाएंगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो हम कहाँ से लिखवा रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। ये बीच के क्वेश्चंस हैं नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर से। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? जी हाँ, अब सवाल तो कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया तो ठीक है लेकिन टहलने का मतलब क्या है। तो जी हाँ, टहलना उसी को कहते हैं जिसको वॉक होता है, जैसे मॉर्निंग वॉक, नहीं सुबह सुबह लोग टहलने जाते हैं। तो अब बोल रहा है कि प्रतिवर्ती एगो जो है प्रतिवर्ती क्रिया है, एगो टहलने वाली क्रिया है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहला बात, प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं? जो अनैच्छिक है यानी कि जो हम लोग इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सिंपल, जैसे मान लिया पलकों का झपकना, इस पर इसको हम लोग इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। भोजन को पचना, इसको इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत। और टहलना क्या है? हमारा इच्छा के अनुसार है। आज मन हुआ तो सवेरे सवेरे टहलने गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में हम लोगों को क्या बताना है? अंतर बताना है। तो पहला अंतर तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, और टहलना एक क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, हम इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, या बोल सकते हैं कि जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेरुरज्जु द्वारा, ठीक है। यानी कि जो मेरुरज्जु है वो कंट्रोल करता है किसको? अनैच्छिक क्रिया को, या बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क काम करता है। लेकिन टहलना जो है इसको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा मस्तिष्क। तो पहला अंतर हम ये लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। दूसरी कि प्रतिवर्ती क्रिया को जो है मेरुरज्जु नियंत्रित करता है लेकिन टहलने के लिए हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क सोचेगा ना भाई कि आज जाएं कि नहीं जाएं, तो इस तरह से हमारा मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है किसको? टहलने वाले बात को। तो कुल मिलाकर हम लोग दो अंतर यहाँ पे किए। एक तीसरा अंतर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का एक केवल एक भाग
काम करता है। जैसे मान लिया कि भोजन का पचना होगा या फिर पलक का झपकना, ये शरीर का एक भाग से होगा, लेकिन टहलने के लिए हमारा पूरा शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि टहलना एक अलग तरह का है। जैसे मान लिया कि हम यहाँ से चलें तो कहीं दूसरे जगह तक टहलते टहलते चल गए, तो मेरा पूरा शरीर ना वहाँ पर गतिशील हुआ। लेकिन अगर मान लिया भोजन का पचना एक अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कन अनैच्छिक है क्योंकि शरीर का एक भाग जो है अनैच्छिक क्रिया में शामिल होता है, लेकिन टहलने के लिए शरीर का पूरा भाग शामिल होना पड़ता है। तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर है। अब निम्नलिखित अंतर है कौन कौन से, तो एक तरफ लिखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, और दूसरे तरफ लिखिएगा टहलना। निम्नलिखित अंतर है करके कैसे लिखेंगे, एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरे तरफ टहलना, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का पहला लिखिएगा और टहलना का पहला लिखिएगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया में पहला लिखेंगे, पहला कौन सा, पहला में करके लिखेंगे प्रतिवर्ती का पहला, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। पहला में क्या लिखेंगे, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। और टहलना में लिखेंगे पहला में, यह एक ऐच्छिक क्रिया है। टहलना में क्या लिखेंगे, यह एक ऐच्छिक क्रिया है। अच्छा, वहीं इसका दूसरा पॉइंट लिखा जाए, प्रतिवर्ती का दूसरा, यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। मेरु रज्जु, हम लोग मस्तिष्क का फिगर बनाए होंगे तो हम लोग देखे भी होंगे कि क्या होता है मेरु रज्जु ना। तो क्या लिखे दूसरा में, यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। और यहाँ का दूसरा टहलना वाला के लिए दूसरा लिखेंगे, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा, दोनों के बीच दो अंतर हो गया। अब तीसरा लिखेंगे प्रतिवर्ती का, लिखेंगे इसमें शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है। इसमें शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है। टहलना का थर्ड में लिखेंगे, इसमें शरीर का संपूर्ण भाग, संपूर्ण मतलब पूरा शरीर, जैसे टहल रहा है तो हम पूरा शरीर को ना गतिशील करेंगे, तो वही बात है, इसमें शरीर का संपूर्ण भाग प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए बोला जा रहा था। तो तीन अंतर हम लोग किए हैं, तीन अंतर, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली अंतर का बात किया जाए तो तीन और चार हमेशा लिखना चाहिए, तो ये मिनिमम तीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सवाल था कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है, इसको जरा आप दिखाइए। तो सिंपल है कि प्रतिवर्ती क्रिया एक तरह का क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जबकि टहलना ऐच्छिक क्रिया है। यह मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यह मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का एक भाग ही प्रतिक्रिया करता है, जबकि टहलने में शरीर का संपूर्ण भाग, पूरा भाग काम करता है। तो इस तरीके से प्रश्न में हम लोग पहले प्रश्न को हम लोग आज किए हैं। अब टोटल इसमें से लगातार पांच प्रश्न है, तो एक प्रश्न को आज ही हम लोग नोट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बाकी के जो चार क्वेश्चन है उसको अगले दिन डिस्कस करेंगे, यानी कि अभी प्रश्न हम लोगों को खत्म नहीं हुआ है। टोटल पांच प्रश्न है जिसमें से एक प्रश्न को हम लोगों ने किया है, तो बाकी के जो चार क्वेश्चन है दोस्तों उसको करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।